Hello everyone, welcome to Parth Biology. Today we will discuss further in the unit genetics. In the previous video lecture, we had discussed about some simple terms related to the genetics, that is like factor, alleles, homozygous, heterozygous, phenotype, genotype, right? So today we'll start with the important topic, that is Mendelism. So what is exactly Mendelism? So yaad rakhiyega, Mendel ne jo bhi kaam kiya, जो भी रिसर्च करी, जो कुछ मेंडल ने अपना वर्क किया, सब कुछ उसका एक्सपेरिमेंटेशन, उसका रिसर्च, उसका पब्लिकेशन, सब कुछ क्या कहलाता है? मेंडलिज्म. सिंपल सा था. नेक्स्ट, अब ध्यान से देखिएगा, मेंडल का फुल नेम क्या था? ग्रिगर जोहेन मेंडल. ग्रिगर जोहेन मेंडल वॉज बॉर्न इन 1822 इन ऑस्ट्रिया. याद रखना कहां पर पैदा हुए थे? ऑस्ट्रिया में. एंड ही वर्क एज ए मॉन्क. किसकी तरह वर्क किया उन्होंने? एज ए मॉन्क इन ए मोनेस्ट्री इन ऑस्ट्रिया. ठीक है, उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंटेशन किसके ऊपर किया था? आप सभी जानते हैं किसके ऊपर किया था? पाइजम सेटाइवम यानी पी के ऊपर. और ये जो एक्सपेरिमेंटेशन उन्होंने स्टार्ट किया था, कब स्टार्ट किया था? 1856 में. और कब खत्म किया था? 1863 में. यानी ऑलमोस्ट 7 ईयर्स तक उनका क्या चला था? एक्सपेरिमेंटेशन चला था. किसके ऊपर? पाइजम सेटाइवम यानी हमारा गार्डन पी. याद रखना, इट इज नॉट ए वाइल्ड पी, इट इज ए गार्डन पी. वाइल्ड पी का साइंटिफिक नेम है लिथायरस ऑडोरेटस. ठीक है, वो भी बाद में आएगा जेनेटिक्स में, अभी सिर्फ इतना सा याद रखिएगा उन्होंने किसके ऊपर काम किया था? गार्डन पी, पाइजम सेटाइवम. ठीक है, अब देखिएगा, उन्होंने अपना जो भी वर्क 7 इयर्स तक किया था, उसका रिजल्ट उन्होंने एक रिसर्च पेपर के अंदर पब्लिश किया. उस रिसर्च पेपर का जो नाम जो था, साइंस जर्नल का जो नाम था, उसका था नेचर फॉर शेंडरवेरिन. ठीक है, उन्होंने एक जर्नल के अंदर, उन्होंने जैसे हम बोलेंगे कि जैसे अखबार होते हैं, ठीक है, उसी तरीके से रिसर्च पेपर होते हैं, तो उन्होंने अपना जो रिसर्च पेपर पब्लिश किया था इन नेचर फॉर शेंडरवेरिन, एक जर्नल था, साइंस जर्नल उस समय में, उस टाइम पर, उसके अंदर पब्लिश किया था. ठीक है, मेंडल को ध्यान से सुनिएगा, मेंडल एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने पूरे 7 साल लगाए अपने एक्सपेरिमेंट में, जिनको हम फादर ऑफ जेनेटिक्स बोलते हैं, लेकिन उनको उनके काम का कोई क्रेडिट नहीं मिला, कोई पॉपुलैरिटी नहीं मिली. ठीक है, किसी ने भी उनके वर्क को रिकॉग्नाइज नहीं किया. ठीक है, उनकी डेथ जो हुई थी वो 1884 में हुई थी ड्यू टू ए किडनी डिसऑर्डर. कौन सा? ब्राइट डिजीज. ठीक है, और उनके, ध्यान से सुनिएगा, उनके मरने के, डेथ के 16 साल बाद, यानी 16 इयर्स बाद आफ्टर द डेथ ऑफ मेंडल. डेथ कब हुई? 1884. और उनके डेथ के कितने साल बाद? 16 इयर्स बाद. कब? 1990 में उनके वर्क को रीडिस्कवर्ड किया. किसने? 3 साइंटिस्ट ने. आपने तीनों का नाम याद रखना है. क्या क्या? सबसे पहला, देखिए हमारे टाइम पे नीट में क्वेश्चन क्या पूछा जाता था कि मेंडल का जो वर्क रीडिस्कवर्ड किया गया था किसने? कार्ल कॉरेंस ने. वो कहां के थे? तो आपको याद रखना है, फर्स्ट साइंटिस्ट वॉज कार्ल कॉरेंस, जो कहां के थे? जर्मनी के. सेकेंड इज ह्यूगो डी व्रीज, जो कहां के थे? हॉलैंड के. एंड थर्ड इज एरिक वॉन टेशरमार्क, जो वहीं के थे जहां के मेंडल थे, यानी ऑस्ट्रिया. ठीक है, सो ये जस्ट हमने मेंडल का एक हिस्टोरिकल हमने व्यू देखा है. ठीक है, अब आगे चलते हैं. क्वेश्चन यहां पर अराइज होएगा क्या कि मेंडल का जो वर्क था उसको लोगों ने या साइंटिस्ट ने रिकॉग्नाइज क्यों नहीं किया? ठीक है, उसके क्या रीजंस थे? देखिएगा, सबसे पहला रीजन, ये बात जो हो रही है ये 19th century की हो रही है, यानी 1856 टू 63 के बीच में उन्होंने एक्सपेरिमेंटेशन किया था. ठीक है, यानी 65 के आसपास उन्होंने जब पब्लिश किया था अपने वर्क को, उस टाइम पर बहुत दूर जो बहुत फेमस साइंटिस्ट थे उनके पास ये चीज जा ही नहीं पाई. कम्युनिकेशन गैप था. ठीक है, यानी उस टाइम पर कम्युनिकेशन वॉज नॉट ईजी. ठीक है, सेकेंड, अब मेंडल ने अपने जितने भी एक्सपेरिमेंट किए थे, जितने भी रिसर्च किए थे, उन्होंने उस सारे रिसर्च में मैथमेटिक या स्टैटिस्टिकल अप्रोच यूज में ली थी. ठीक है, यानी उन्होंने कैलकुलेशन करी थी. ठीक है, कि कितने ड्वार्फ आए हैं, कितने टॉल आए हैं, कितने राउंड सीड आए हैं. ठीक है, इस तरीके से मैथमेटिकल अप्रोच उन्होंने यूज में ली. और उस टाइम पर ज्यादातर जो बायोलॉजिकल साइंटिस्ट थे वो इस मैथमेटिकल अप्रोच को या तो समझ नहीं पा रहे थे या इस पर बिलीव नहीं कर रहे. ये सेकंड रीजन था. थर्ड रीजन जो था
कि उस टाइम पर ज्यादातर बायोलॉजिकल साइंटिस्ट का मेनली फोकस जो था, मेनली ध्यान जो था, वो किस पर था? डार्विन्स थ्योरी पर था। ठीक है, आप जानते हैं डार्विन्स थ्योरी, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ठीक है, उस थ्योरी पर ज्यादातर साइंटिस्ट का ध्यान था, इस वजह से मेंडल पर नहीं पहुंचा, थर्ड रीजन। एंड द लास्ट वन, आपने अच्छे तरीके से जानते हैं, मेंडल ने टर्म दी थी क्या? फैक्टर। मेंडल बोले क्या कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कुछ कैरेक्टर्स जा रहे हैं, ठीक है, कुछ डिस्क्रीट यूनिट्स जा रही है, हेरिडिटिकल यूनिट्स जा रही है एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में, यानी इनहेरिटेंस हो रहा है। ठीक है, किसका? कुछ यूनिट्स का, जिनको उन्होंने क्या नाम दिया, जिनको उन केमिकल्स को उन्होंने क्या नाम दिया? फैक्टर। बदले में साइंटिस्ट ने उन्होंने पूछा, क्या है फैक्टर, क्या उसका कोई फिजिकल प्रूफ है आपके पास? तो मेंडल ने कोई फिजिकल प्रूफ नहीं दिया, किस चीज का? फैक्टर का। सो दीज आर द मेन फोर रीजन विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द अनरिकॉग्नाइजेशन ऑफ मेंडल वर्क। सो ये तो हमने देखा कि मेंडल के वर्क को रिकॉग्नाइज्ड या क्रेडिट क्यों नहीं मिला था। अब बात आ रही है कि मेंडल का वर्क बाद में जब रीडिस्कवर्ड हुआ, तो क्या ऐसे रीजंस थे जिसकी वजह से मेंडल वाज क्रेडिटेड एज ए फादर ऑफ जेनेटिक्स? ठीक है, तो क्या ऐसे रीजंस थे जो मेंडल को सक्सेसफुल बना रहे थे बाद में? ठीक है, तो देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला रीजन, मेंडल स्टडीड वन और टू कैरेक्टर एट ए टाइम। क्या मीनिंग है? सपोज मैं मेंडल हूं, मैंने किस पर काम किया? पाइजम स्ट्राइगम पे, ठीक है, पी पे। अब मेंडल से पहले भी कई सारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने जेनेटिकल अप्रोच पर वर्क किया था, एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है, लेकिन मेंडल ही क्यों सक्सेस हुआ? अब ध्यान से सुनिएगा, मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में, ठीक है, एक या दो करेक्टर को चूज करके क्या कराया था? क्रॉसिंग कराई थी और प्रोजेनीज प्रोड्यूस की थी। आप कहेंगे क्या समझ में नहीं आया, देखिएगा। सपोज मैं मेंडल था, मैंने क्या किया, दो पी प्लांट लिए, ठीक है, अब दोनों पी प्लांट के अंदर बहुत सारे करेक्टर हैं, हाइट भी है, शेप भी है सीड की, कलर भी है फ्लावर का, पॉड का कलर है, ठीक है, फ्लावर की पोजीशन है, कॉटिलीडंस का कलर है, ऐसे बहुत सारे करेक्टर है, लेकिन एट ए टाइम ड्यूरिंग ए क्रॉसिंग, जब एक क्रॉसिंग उन्होंने कराई, तो उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में या तो एक करेक्टर चूज किया या दो। सपोज कैसे, उन्होंने मान लिया कि एक पी प्लांट है जिसकी हाइट उन्होंने देखी, बाकी सारे करेक्टर को नेग्लेक्ट किया, दूसरे प्लांट में भी हाइट देखी, एक की टॉल है एक की ड्वार्फ है, दोनों को क्रॉस कराया और नेक्स्ट प्रोजेनी में बाकी सारे करेक्टर्स को नेग्लेक्ट करके केवल क्या देखा, हाइट देखी, यानी एट ए टाइम उन्होंने या तो एक करेक्टर देखा या एक साथ दो करेक्टर देख लिए। ठीक है, अब इससे क्या हुआ, अगर कई सारे करेक्टर्स को अगर वो देखते तो हो सकता उनका रिजल्ट जो है वो मिसमैच हो जाता, समझ रहे हैं? इस वजह से मेंडल वॉज सक्सेसफुल कि जब उन्होंने एक करेक्टर देखा, ठीक है, तो भी जैसे हाइट का करेक्टर देखा तो जो रिजल्ट आया वैसा ही रिजल्ट कब आया, जब उन्होंने फ्लावर की पोजीशन पर देखा, जब उन्होंने शेप ऑफ सीड्स में देखा। तो इस तरीके से हर एक करेक्टर को चूज कर करके उन्होंने क्रॉसिंग कराई और उनके रिजल्ट्स क्या आ रहे थे, सेम आ रहे थे। ठीक है, सो ये पहला रीजन था किसका, मेंडल की सक्सेस का। सेकेंड रीजन कि मेंडल ने और कुछ क्यों चूज नहीं किया, देखिएगा क्या होता है, जब हम थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं तो हमें पता लगता है, देखिए मेंडल ने पाइजम सेटाइवम पर भी वर्क, पाइजम सेटाइवम पे वर्क तो किया, उसके अलावा उन्होंने हनीबीज पर भी वर्क किया था, ठीक है, लेकिन वो इतना यूजफुल नहीं पड़ा उनके लिए, ये ज्यादा सक्सेसफुल हुआ, कौन सा, पाइजम सेटाइवम। तो उन्होंने जो सेलेक्ट किया, कौन सा, पी प्लांट, क्यों सेलेक्ट किया, क्या रीजन थे? सबसे पहला देखिए, मटर का पेड़ गार्डन पी जो है एनुअल प्लांट है, पूरे साल भर उगता है और इनका टाइम पीरियड जो है, लाइफ स्पैन जो है वो बहुत छोटा सा है, 2 से 3 महीने का है। अब जरा सोचिए, पूरे साल भर उगते हैं, एनुअल प्लांट है, लाइफ स्पैन इनका बहुत शॉर्ट है, तो प्रोजेनीज ज्यादा होएंगी, समझ रहे हैं? ठीक है, हर 2-3 महीने में प्रोजेनीज आ जाएंगी, ठीक है, मतलब हर 2-3 महीने के बाद क्या आएंगी, प्रोजेनीज आ जाएंगी, फिर प्रोजेनीज आएंगी, तो बहुत शॉर्ट टाइम पे हम बहुत सारी प्रोजेनीज का क्या कर लेंगे, एनालिसिस कर लेंगे। ठीक है, पहला रीजन। दूसरा, पी प्लांट के अंदर बहुत सारे क्या मिल रहे हैं, अब ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, करेक्टर, कौन से, कंट्रास्टिंग। नाउ व्हाट इज कंट्रास्टिंग करेक्टर, देखिएगा, हम बोलते हैं ना कपड़े कंट्रास्ट के पहन रखे, क्या व्हाइट शर्ट पहन लिए, ब्लैक जींस या ब्लैक पैंट पहन लिए, दीज कलर आर कंट्रास्ट, यानी अपोजिट। तो जरा सोचिए, मैंने एक करेक्टर लिया हाइट, एक टॉल और एक ड्वार्फ,
बिल्कुल अपोजिट करेक्टर जो है दे आर कॉल्ड कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर। तो यहां पर मेंडल ने जो दो पेरेंट जो लिए थे उनमें कैसे करेक्टर वो देख रहे थे, कॉन्ट्रास्टिंग, या तो हाइट बड़ी होगी या छोटी होगी, ठीक है, सीड की शेप या तो राउंड होगी या रिंकल्ड होगी, इस तरीके से उन्होंने करेक्टर लिए थे, ठीक है, ये दो रीजन थे। नेक्स्ट, नेचुरली, ध्यान से सुनिएगा, नेचुरली पी प्लांट के अंदर क्या मिल रहा है, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस से क्रॉस पॉलिनेशन भी करा सकते हैं हम, हाइब्रिडाइजेशन भी कराया था मेंडल ने, लेकिन नेचुरली क्या मिल रहा है वहां पर, सेल्फ पॉलिनेशन मिल रहा है। तो जो जो पेरेंट्स उन्होंने लिए थे दे आर, याद रखिए कैसे पेरेंट्स उन्होंने लिए थे, दे आर द प्योर पेरेंट्स, क्यों, क्योंकि वहां पर नेचुरली क्या मिल रहा था, सेल्फ पॉलिनेशन मिल रहा था, कोई दूसरा करेक्टर आकर मिक्स ना हो जाए, इसलिए क्या चूज किया उन्होंने, कौन सा प्लांट, पी प्लांट, क्योंकि उसके अंदर नेचुरली क्या मिल रहा था, सेल्फ पॉलिनेशन। आप अच्छे तरीके से जानते हैं अगर क्रॉस पॉलिनेशन हो गया तो वेरिएशंस आने के क्या होंगे, चांसेस होंगे, और मेंडल नहीं चाहते थे कि वेरिएशंस आए, ठीक है, वो चाहते थे, वो ये देखना चाहते थे जब वो प्योर प्लांट ले रहे हैं बिना कोई वेरिएशंस के तो प्रोजेनी में क्या क्या किस तरीके से रिजल्ट्स आ रहे हैं, ठीक है। एंड द लास्ट इज, अब आप जानते हैं मटर के जो बीज जो होते हैं, सीड जो होते हैं, बड़े होते हैं, जिन्हें हम खाते हैं, याद रखना, ठीक है, एंड दे आर इजिली विजिबल, आसानी से देखे जा सकते हैं। सो दीज आर द फोर करेक्टर विच आर यूजफुल फॉर मेंडल टू सेलेक्ट दिस प्लांट, पी प्लांट, ठीक है। एंड द लास्ट वन, बेटा जी उन्होंने अपने हर एक्सपेरिमेंट में जो भी रिकॉर्ड था उसको मेंटेन करके चले थे वो, ठीक है, यानी सपोज जैसे उन्होंने क्या किया था, सपोज उन्होंने हाइट के रिस्पेक्ट में जब क्रॉसिंग कराई तो ऑलमोस्ट 787 उनके टॉल प्लांट आए थे और 277 उनके ड्वार्फ प्लांट आए थे। अब जरा सोचिए 787 और 277, ये एग्जैक्ट फिगर्स हैं उनके एक्सपेरिमेंट के, तो जरा सोचिए उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंटेशन में स्टेटिस्टिकल रिकॉर्ड या मैथमेटिकल रिकॉर्ड्स जो थे वो सारे के सारे उन्होंने मेंटेन करके चले थे ताकि रिजल्ट जो है उनका एक्यूरेट बैठे, ठीक है। सो दीज आर द रीजंस फॉर मेंडल सक्सेस, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने कौन कौन से करेक्टर को चूज किया था, ठीक है। ओके, सो मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में 7 कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर चूज किए थे। अब देखिए एक प्लांट के अंदर बहुत सारे करेक्टर है, लेकिन यहां पर हम बात कर रहे हैं मेंडल ने कितने करेक्टर को चूज किया था, तो याद रखना मेंडल ने 7 कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर को चूज किया, ठीक है। देखिएगा कौन कौन से, सबसे पहला करेक्टर प्लांट हाइट, इसी ऑर्डर में याद रखना है आपने, ठीक है, प्लांट हाइट, ठीक है, प्लांट की लेंथ जो है दैट इज डोमिनेंट, क्या है, टॉल, लंबा है, और रिसेसिव जो है दैट इज ड्वार्फ। डोमिनेंट रिसेसिव का मीनिंग आपको समझ में आना चाहिए, डोमिनेंट का मतलब ऐसे करेक्टर जो डोमिनेंट तरीके से एक्सप्रेस हो रहे और नेक्स्ट प्रोजेनी में जाने के चांसेस बहुत ज्यादा है, ठीक है, रिसेसिव का मतलब जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। अब देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, फर्स्ट जो करेक्टर हमने लिया क्या, प्लांट हाइट का, डोमिनेंट कैसा था, टॉल, रिसेसिव कैसा है, ड्वार्फ। अब उसके बाद हमने एक और पॉइंट लिखा, देखिए ये हमारी एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन ये आपको याद रखना पड़ेगा, क्रोमोसोम नंबर 4th। अब ये क्या है, मैं इसको अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन अभी सिर्फ इतना सा याद रखना कि इस करेक्टर को रेगुलेट करने वाले एलील्स यानी जीन्स कौन से क्रोमोसोम पर मिलेंगे, क्रोमोसोम नंबर 4 पर, ठीक है। सेकंड करेक्टर फ्लावर पोजीशन, यानी फ्लावर किस पोजीशन पर मिल रहा है, डोमिनेंट तरीके से कहां पर मिल रहा है, ब्रांच की किस पे, एक्सिस पे, और रिसेसिवली मिल रहा है कहां पर, टर्मिनल पे। बहुत सिंपल, क्या कि इफ दिस इज ए प्लांट, ये उसकी ये ब्रांच है, इस ब्रांच की एक्सिस पर ज्यादा मिलेंगे या उसकी टर्मिनल पोजीशन पर ज्यादा मिलेंगे, तो आपको समझ में आ गया ज्यादा कहां पर मिल रहे हैं, ब्रांच की एक्सिस पर, बहुत कम मिलते हैं कहां पर, उसके टर्मिनल पार्ट पर। डोमिनेंट कैसा हो गया, एक्सियल, रिसेसिव कौन हो गया, टर्मिनल, अगेन कौन से क्रोमोसोम पर, 4th पर, ठीक है। थर्ड करेक्टर पॉड शेप, पॉड का मतलब होता है बेटा जी याद रखना छिलका, आपने देखा होगा मटर का छिलका जो होता है उस छिलके की शेप अगर मैं देखूं तो वो फ्लैट होता है या वो कॉन्स्ट्रिक्टेड होता है। अब आप जरा सोचिए जब पक जाता है, कौन पूरी तरीके से मैच्योर हो जाता है, तब उसकी शेप कैसी हो जाती है, कॉन्स्ट्रिक्टेड,
ठीक है। ज्यादातर मटर जो होते हैं उनके छिलके जो होते हैं पॉड जो होते हैं वो किस शेप में होते हैं, फ्लैट होते हैं। तो याद रखना डोमिनेंट कैसा हो गया आपका इनफ्लैटेड और रिसेसिव कैसा हो गया है कॉन्स्ट्रिक्टेड। अगेन दिस करेक्टर को रेगुलेट करने वाले जीन कौन से क्रोमोसोम पर मिल रहे हैं, फोर्थ पर। नेक्स्ट पॉड कलर, अब आप मुझे बताएं छिलके का कलर ज्यादातर आपको कैसा दिखाई देता है, येलो के ग्रीन ज्यादातर कैसा होता है, ग्रीन होता है। डोमिनेंट कौन सा हो गया ग्रीन, रिसेसिव कौन सा हो गया येलो। अब ये करेक्टर को रेगुलेट करने वाले एलील्स कौन से क्रोमोसोम पर मिल रहे हैं, फिफ्थ पर। नेक्स्ट सीड शेप राउंड है, ठीक है, डोमिनेंट होती है और इस तरीके से रिंकल्ड रिसेसिवली मिलते हैं। ज्यादातर कौन से मिलते हैं आपको राउंड, बहुत कम मिलते हैं कौन से रिसेसिव। इस करेक्टर को रेगुलेट करने वाले एलील्स कौन से क्रोमोसोम पर मिल रहे हैं, सेवंथ। नेक्स्ट सीड कलर, ठीक है, अब देखिए हमारी एनसीईआरटी में दे रखा है सीड कलर बट एक्चुअली दिस करेक्टर इज कॉटलीडन कलर, आपने याद रखना है क्या सीड कलर। अपोजिट याद रखिएगा पॉड कलर के, पॉड कलर छिलके का कलर डोमिनेंट कैसा था ग्रीन, रिसेसिव कैसा था येलो। उल्टा याद रखना सीड का कलर कैसा होता है येलो और रिसेसिव कौन सा होता है ग्रीन, ठीक है। इसको याद रख लीजिएगा, छिलके के कलर को याद रखना, अपोजिट याद रखना किसका, सीड का कलर याद हो जाएगा, ठीक है। कौन सा क्रोमोसोम नंबर, फर्स्ट। लास्ट फ्लावर का कलर, ज्यादातर फ्लावर जो होते हैं आपके कैसे होते हैं, वॉयलेट होते हैं, बहुत कम होते हैं कौन से, व्हाइट होते हैं। दिस करेक्टर जीन्स आर प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब देखिएगा मेंडल ने तो ये वाला पार्ट बताया, क्या मेंडल ने ये भी बताया कि क्रोमोसोम नंबर पर कौन से क्रोमोसोम पर मिल रहे हैं जीन। अरे भैया मेंडल ने तो जीन के बारे में ही नहीं बताया, मेंडल ने तो जस्ट एक इंफॉर्मेशन दी क्या कि कुछ इनहेरिट हो रहा है, दैट इज फैक्टर, ठीक है। जब वो फैक्टर को ही फिजिकल प्रूफ नहीं बता पाया इट मींस उसने क्रोमोसोम के बारे में नहीं बताया, ठीक है। तो ये किसने बताया कि ये जो करेक्टर है, याद रखना है ये वाला पार्ट जो था ये बाद में रिसर्च होकर पता लगा था, और किसने बताया था, साइंटिस्ट का नाम याद रखना एस डॉट ब्लिक्स्ट। कौन से साइंटिस्ट थे, एस डॉट ब्लिक्स्ट वॉज द साइंटिस्ट हु एक्सप्लेन द करेक्टर्स which are decided by the Mendel found on which chromosome number। अब देखिए अभी हमने जो देखे थे contrasting character, ठीक है, Mendel ने choose किए थे, उसका last segment जो था उसमें हमने chromosome की number लिखी थी, ठीक है, याद रखना है आपने कौन कौन से character के लिए कौन कौन से। अब उसको ना थोड़ा सा मैं explain कर रहा हूँ, यहाँ पर बताना जरूरी है, ध्यान से सुनिएगा। पहली चीज तो ये पी प्लांट पाइजम सटाइवम की जो सेल है उसके अंदर डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है दैट इज 14। समझ में आ गया, डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं 14, यानी एक गैमेट के अंदर कितने होंगे 7, दूसरे गैमेट के अंदर कितने होंगे 7, दोनों फ्यूज्ड होंगे जो जायगोट बनेगा उसके अंदर कितने हो जाएंगे 14। सो ये एक सेल है जिसके अंदर कितने क्रोमोसोम है, टोटल 14 है, ठीक है। अब जरा सोचिए क्रोमोसोम फर्स्ट किससे आया, मदर से भी आया है और फादर से भी आया, तो फर्स्ट कितने हो गए, दो हो गए, सेकेंड कितने हो गए, दो हो, थर्ड दो, फोर दो, फाइव दो, सिक्स दो एंड सेवन दो, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, हमने पहला करेक्टर क्या लिया था प्रीवियस स्लाइड में, याद करिए हमने फर्स्ट करेक्टर के लिए था प्लांट की हाइट, ठीक है। डोमिनेंट कैसा था टॉल और रिसेसिव कैसा था ड्वार्फ, ठीक है, और कौन से क्रोमोसोम पर था, फोर्थ पर। तो बच्चों देखिएगा मैं यहां पर इस क्रोमोसोम नंबर फोर को मैं यहां पर बना रहा हूं, ठीक है। देखिएगा ये क्रोमोसोम 4 मान लेते एक मदर का है और एक फादर का है, ठीक है। अब समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा, मदर के ऊपर क्रोमोसोम नंबर 4 पर एक जीन मिल रहा है कौन सा, कैपिटल टी, और फादर में भी जीन मिल रहा है कौन सा, कैपिटल टी, ठीक है। अब याद करिए हमने पिछले वीडियो लेक्चर में बात करी थी किसकी, एलील्स की, एक जीन की दो फॉर्म जो मिलकर एक करेक्टर को प्रोड्यूस करती हैं, याद रखना इस चीज को, क्या एक जीन दो तरीके से मिल रहा है, ठीक है, और ये दोनों पेयर जो, ये दोनों जो फॉर्म जो हैं जीन की, ये दोनों मिलकर एक करेक्टर को क्या करती हैं, प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है। अब सपोज यहां पर कैपिटल टी है, यहां पर कैपिटल टी है, तो इस सेल का जीनोटाइप इस करेक्टर के लिए हाइट के लिए मैं क्या लिखूंगा, कैपिटल टी कैपिटल, ठीक है, कैसा हो जाएगा, ये टॉल हो जाएगा, ठीक है। अब पहला तो कंसेप्ट आप ये समझिए कि अगर जीनोटाइप में
एक करेक्टर के दोनों एलील्स अगर लिखे जा रहे हैं, इट मींस वो दोनों एलील एक सेल के अंदर होमोलोगस क्रोमोसोम पर होंगे, तो वो सेल कैसी होगी? डिप्लॉइड होगी। अब इमेजिन करें, अगर मैं बोलता कि आज जीनोटाइप है कैपिटल टी, इट मींस उस सेल के अंदर दोनों क्रोमोसोम नहीं होंगे, केवल क्या होगा? एक होगा, जिस पर क्या मिल रहा है? कैपिटल टी मिल रहा है। तो क्या ये करेक्टर प्रोड्यूस कर पाएगा अकेला जीन? नहीं। तो याद रखना, करेक्टर कब प्रोड्यूस होता है? जब दोनों एलील्स एक साथ साथ आते हैं और अपने आप को क्या करते हैं? एक्सप्रेस करते हैं, तभी क्या प्रोड्यूस होता है? आपका करेक्टर। तो जरा सोचिए, ये वाला जो जीनोटाइप है और ये वाला जो जीनोटाइप है, इन दोनों को अगर मैं कंपेयर करूं तो ये एक डिप्लॉइड जीनोटाइप है और ये एक हैप्लॉइड जीनोटाइप है, तो ये किस चीज का जीनोटाइप होएगा? गैमेट का। कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिएगा, तो मैं यहां पर बात कर रहा था क्या, फर्स्ट जो करेक्टर था, ठीक है, उसके लिए जीन जो थे वो कहां पर मिल रहे थे? एलील्स जो थे वो कौन से क्रोमोसोम पर मिल रहे हैं? फोर्थ पर। देखिएगा, या तो क्या होएगा? कैपिटल टी, कैपिटल टी, या तो ये जीनोटाइप हो जाएगा कैपिटल टी, या और पॉसिबिलिटी क्या है? यहां पर कैपिटल टी और यहां पर स्मॉल टी हो सकता है, या और पॉसिबिलिटी क्या है? यहां पर कैपिटल टी और यहां पर क्या हो सकता है? स्मॉल टी हो सकता है। ठीक है, यही पॉसिबिलिटी है। समझ में आ गया, क्लियर है ये वाली चीज? पहला करेक्टर। अब दूसरा करेक्टर क्या था, याद करिए, फ्लावर की पोजीशन कैसी थी, डोमिनेंट कैसी थी आपकी एक्सियल और रिसेसिव कैसी थी आपकी टर्मिनल, ठीक है, वो भी कौन सा क्रोमोसोम? फोर्थ पर। अब क्वेश्चन अराइज हो रहा है, सेकंड जो करेक्टर जो हमने देखा था, वो करेक्टर यही जीन रेगुलेट करेंगे क्या, या कोई और जीन रेगुलेट करेगा? पता लग रहा है आपको, कोई और जीन रेगुलेट करेंगे जो कौन से क्रोमोसोम पर मिल रहे हैं? फोर्थ पर। अब सेकंड जो करेक्टर था क्या था? फ्लावर की पोजीशन डोमिनेंट कैसा था? एक्सियल। सपोज यहां पर कैपिटल ए किस चीज को बता रहा है? एक्सियल को, ठीक है, और स्मॉल ए किस चीज को बताएगा? टर्मिनल को। याद रखना, करेक्टर जो होंगे उसमें कैपिटल लेटर आपके सेम रहेंगे, बस एक बड़ा होएगा और एक छोटा होएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कैपिटल ए एक्सियल है तो टर्मिनल के लिए टी लिख दे, ना ना ना, ऐसे नहीं करेंगे। एक्सियल के लिए कैपिटल ए तो टर्मिनल के लिए स्मॉल ए, ठीक है। तो मदर में कैपिटल ए, फादर में क्या है? स्मॉल ए, या और क्या पॉसिबिलिटी है? मदर में स्मॉल ए हो सकता है, फादर में कैपिटल ए, दोनों में स्मॉल ए भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हमने सेकंड करेक्टर देखा। थर्ड करेक्टर हमने क्या देखा था? पॉड की शेप कैसी थी? इनफ्लेटेड एंड कॉन्स्ट्रिक्टेड। अब उस करेक्टर को डिसाइड करने के लिए जो जीन होंगे, क्या ये दोनों होंगे कि कोई और होगा? और होगा। यहां पर देखिए, अब इनफ्लेटेड के लिए कैपिटल आई और कॉन्स्ट्रिक्टेड के लिए आपका स्मॉल आई। अगेन यहां पर क्या हो सकता है? या तो कैपिटल आई या स्मॉल आई। तो ये हमने तीन करेक्टर देखे, ठीक है। उसके बाद हमने याद करिए, हमने स्टार्टिंग के जो तीन करेक्टर थे वो कौन से क्रोमोसोम पर देखे हैं? फोर्थ। इससे क्या पता लग रहा है कि ईच करेक्टर इज रेगुलेटेड बाय ए पेयर ऑफ जीन। वर्ड ध्यान से सुनना, ईच करेक्टर इज रेगुलेटेड बाय ए पेयर ऑफ जीन। ये पेयर मिलकर क्या प्रोड्यूस करेंगे? करेक्टर। यहां पर मिलकर क्या प्रोड्यूस करेंगे? करेक्टर। उसी तरीके से ये मिलकर क्या प्रोड्यूस करेंगे? करेक्टर, ठीक है। अब याद करिए, फोर्थ जो करेक्टर था, दैट इज कलर ऑफ पॉड। फोर्थ करेक्टर कौन सा था? कलर ऑफ पॉड, जो कौन से क्रोमोसोम पर है? फिफ्थ पर था। कलर ऑफ पॉड कैसा था आपका? डोमिनेंट कैसा था आपका? ग्रीन। रिसेसिव कैसा था? येलो, ठीक है। नेक्स्ट करेक्टर क्या था हमारा? जो क्रोमोसोम नंबर किस पर मिल रहा था आपके? सेवंथ पर। दैट इज शेप ऑफ याद करिए, हमारा सीड थी राउंड एंड रिंकल्ड। राउंड के लिए कैपिटल आर, रिंकल्ड के लिए स्मॉल आर। यहां पर कैपिटल आर, स्मॉल आर, ठीक है। यहां तक सिंपल सा था। अब कहानी देखिए कैसे पलटेगी। याद करिए सिक्स्थ और सेवंथ करेक्टर। सिक्स्थ करेक्टर था सीड का कलर और सेवंथ करेक्टर था फ्लावर का कलर। सीड का कलर कैसा था? मैंने आपको बताया था पॉड के कलर का उल्टा कर देना है, ठीक है। कैसा? कैपिटल वाई यानी डोमिनेंट कैसा था? येलो। और स्मॉल वाई यानी ग्रीन, ठीक है। सिंपल, समझ में आ गया। ये सिक्स्थ करेक्टर हो गया, जो कौन से क्रोमोसोम पर था? फर्स्ट पर। अब लास्ट करेक्टर क्या था? याद करिए, फ्लावर का कलर कैसा था? फ्लावर का कलर डोमिनेंट कैसा था? वायलेट। और रिसेसिव कैसा था आपका? व्हाइट। अब उस करेक्टर को मैं यहां पर अलग जीन से रिप्रेजेंट कर रहा हूं? नहीं। यही तो यहां पर इंपॉर्टेंट चीज है, क्या कि ये कैपिटल वाई, ठीक है,
अगर मैं जीनोटाइप लिख रहा हूं, ध्यान से सुनना, कैपिटल वाई जीनोटाइप लिख रहा हूं, तो इट मींस किस रेस्पेक्ट में लिख रहा हूं, हम यहां पर सिक्स्थ और सेवन्थ कैरेक्टर के रेस्पेक्ट में लिख रहा हूं, तो ये क्या होएगा, याद रखिएगा, दिस रिप्रेजेंट येलो एज वेल एज वायलेट। येलो कलर किसके लिए, सीड के लिए, और वायलेट कलर किसके लिए, फ्लावर के लिए, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं यहां पर लिख रहा हूं कैपिटल वाई स्मॉल आई, अगेन वही क्या, येलो सीड का कलर एंड वॉयलेट फ्लावर का कलर। स्मॉल वाई लिख रहा हूं, इट मींस क्या हो जाएगा आपका, ग्रीन एंड व्हाइट। अब इससे क्या पता लग रहा है आपको, ये वाले जीन कौन सा, कैपिटल टी या कैपिटल टी स्मॉल टी या स्मॉल टी मिलकर एक करेक्टर प्रोड्यूस कर रहे थे। कैपिटल ए हो सकता था या कैपिटल ए स्मॉल ए हो सकता था या स्मॉल ए हो सकता था, मिलकर एक करेक्टर। कैपिटल आई मिलकर एक, या कैपिटल आई स्मॉल आई मिलकर एक करेक्टर, या स्मॉल आई मिलकर एक ही करेक्टर हो रहा था। लेकिन यहां पर देखिए, कैपिटल वाई मिलकर दो करेक्टर रेगुलेट कर रहे हैं, कौन कौन सा, एक तो सीड का कलर एज वेल एज किसका, फ्लावर का कलर। तो इससे क्या पता लग रहा है, एलील की डेफिनेशन क्या थी, हमने बोला था बच्चों एलील क्या था, ए पेयर ऑफ जीन्स विच रेगुलेट वन करेक्टर, ये बोला था हमने, क्या एलील क्या बोला था, ए पेयर ऑफ जीन्स लाइक कैपिटल टी, ये पेयर मिल रहा है किसका, जीन्स का, रेगुलेट किसको रेगुलेट कर रहे हैं, रेगुलेट वन करेक्टर, यहां पर करेक्टर जो था दैट इज हाइट। लेकिन यहां पर थोड़ा सा मामला गड़बड़ा गया, क्या यहां पर हम बोल रहे हैं क्या, ए पेयर ऑफ जीन, ए पेयर ऑफ जीन कैपिटल वाई रेगुलेटिंग मोर देन वन करेक्टर, मोर देन वन करेक्टर, सब समझ में आ गया। अब ये कंडीशन को क्या कहा जाता है, तो याद रखना, दिस कंडीशन इज कॉल्ड, या मैं बोलूंगा ये जो जीन्स है, क्या ये जो पेयर मिल रहा है किसका, जीन्स का, जो एक से ज्यादा करेक्टर को रेगुलेट करते हैं, सच जीन्स आर कॉल्ड पीओ ट्रॉपिक जीन। तो मेरे ख्याल से कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए एलील एंड ए प्लियोट्रॉपिक जीन। एलील या मैं बोलूंगा जीन, क्या था यहां पर डिफरेंस, क्या था कि एक पेयर जीन का जो सिर्फ और सिर्फ किसको रेगुलेट करेगा, एक करेक्टर को, कैपिटल टी किसको, हाइट को, ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल टी भी हाइट को, स्मॉल टी भी हाइट को। लेकिन यहां पर कैपिटल वाई कितने करेक्टर को रेगुलेट कर रहा है, दो को, कौन कौन सा, सीड का कलर भी और फ्लावर का कलर भी, ऐसे जीन्स को हम क्या बोलते हैं, प्लियोट्रॉपिक जीन। तो ये बताना मेरा फर्स्ट था आपको कि क्रोमोसोम नंबर मैंने यहां पर क्यों लिखी थी, क्लियर है ये वाली चीज। ओके, सो हम यहां पर देख रहे हैं मेंडल ने अपना वर्क किया था, क्या हमने स्टार्टिंग में बात करी थी, मेंडल ने एट ए टाइम क्रॉसिंग जब करी थी किसके बीच में, दो पेरेंट्स के बीच में, तो उन्होंने किस बेसिस पर क्रॉसिंग करी थी, एट ए टाइम उन्होंने कितने करेक्टर को चूज किया था, आइदर वन और टू, ठीक है। अब अगर एक करेक्टर को चूज करके अगर क्रॉसिंग की जाती है, देन दैट क्रॉस इज कॉल्ड मोनोहाइब्रिड क्रॉस। और अगर एट ए टाइम मैं कितने करेक्टर को चूज करके क्रॉसिंग करूंगा, दो को, तो दैट क्रॉस इज कॉल्ड डायहाइब्रिड क्रॉस। तो मेंडल ने कितने क्रॉस किए, दो, एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस किए और एक डायहाइब्रिड क्रॉस किए। पहले हम कौन सा क्रॉस पढ़ेंगे, मोनोहाइब्रिड, फिर बात करेंगे किसकी, डायहाइब्रिड। तो देखिएगा, मोनोहाइब्रिड क्रॉस मींस एट ए टाइम कितने करेक्टर चूज किए हैं, वन। सपोज मैं यहां पर जो करेक्टर लेने वाला हूं, दैट इज प्लांट हाइट, ठीक है। अब देखिएगा मेंडल की खासियत क्या थी उसके एक्सपेरिमेंट की, कि उसने जो पेरेंट्स लिए थे वो कैसे थे, प्योर होमोजाइगस। वर्ड क्या आ रहा है, प्योर एंड होमोजाइगस, आइदर प्योर बोल दीजिए या होमोजाइगस बोल दीजिए, ठीक है। अब देखिए होमोजाइगस कॉन्ट्रास्टिंग थे, होमोजाइगस का मतलब क्या था, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, क्या जब दोनों पेयर ऑफ जीन जो होंगे वो कैसे होंगे, सेम सेम, तब हम उनको क्या बोलेंगे, होमोजाइगस।
अब यहाँ पर होमोजाइगस कॉन्ट्रास्टिंग है, यानी एक कैसा होगा, कैपिटल टी सेम होगा और इधर क्या आएगा स्मॉल टी, तो कॉन्ट्रास्टिंग भी हो गया और होमोजाइगस भी हो गया, यानी पेरेंट्स कैसे हैं, प्योर हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अभी तो देखिएगा, अब बेटे आप ना याद रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, मैक्सिमम बच्चे यहां पर जो अटकते हैं वो किस चीज में अटकते हैं, यहीं से ही अटकना स्टार्ट हो जाते हैं। क्या उनको पता ही नहीं लगता कौन पेरेंट है, कौन गैमेट है, क्या F1 है, क्या F2 है? तो सीरियस नोट पर सुनिएगा, पहली चीज सोचिए ये पेरेंट जो है इसके जीनोटाइप में मैं कितने एलील्स लिख रहा हूं, कितने जीन्स लिख रहा हूं। दो, इट मींस ये पेरेंट डिप्लॉइड है कि हैप्लॉइड है। सोचिए कैसा होएगा, डिप्लॉइड होएगा ना, एक जीन क्रोमोसोम फर्स्ट पर है और यही जीन किस पर है, क्रोमोसोम फर्स्ट पर, एक मदर का है और एक फादर का है। यानी मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था जब जीनोटाइप में दोनों जीन्स लिखे जाएंगे तो वो क्या होएगा, डिप्लॉइड होएगा। ठीक है, सो दिस इज डिप्लॉइड पेरेंट एंड दिस इज ऑल्सो ए डिप्लॉइड पेरेंट। ठीक है, अब आप अच्छे तरीके से जानते कहीं ना कहीं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होएगा तो गैमेट बनाएंगे और गैमेट बनाएंगे तो कहीं ना कहीं गैमेट के अंदर हैप्लॉइड ही आएगी, इट मींस दोनों में से एक ही जीन जाएगा। ठीक है, अब सोचिए यहां से जो गैमेट बनेगा, एक गैमेट में कैपिटल टी आएगा और दूसरे में भी क्या आएगा, कैपिटल टी आएगा। तो हमें थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना है, मैं दो बार कैपिटल टी नहीं लिखूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है जब मैं यहां पर कैपिटल टी लिखूंगा और यहां पर कैपिटल टी लिखूंगा तो रिजल्ट जो आएगा मेरा सेम आएगा, इसलिए मैंने एक बार कैपिटल टी लिख दिया। तो यार ना जेनेटिकल अप्रोच में आपको स्मार्ट वर्क बहुत करना पड़ेगा। ठीक है, तो सोचिए यहां पर जो गैमेट्स मेरे पास आए हैं उन सब में जीनोटाइप क्या था, कैपिटल टी। ठीक है, और यहां से जो गैमेट आएंगे उन सभी के अंदर जो जीन्स होगा वो कौन सा होगा, स्मॉल टी। अब दिस इज गैमेट, ये कौन है बच्चे, गैमेट है। ये सिंबल आप जानते हैं मेल का है, ये किसका है, फीमेल का है, सो इट इज ए स्पर्म एंड इट इज ए ओवम। ठीक है, अब जरा सोचिए ये दोनों जब फ्यूज होंगे तो जायगोट बनेगा, जायगोट कैसा होता है आपका, डिप्लॉइड। फ्यूजन से क्या बना है आपका, जायगोट, एंड दिस जायगोट इज डिप्लॉइड। अब जरा सोचिए ये जायगोट बड़ा होएगा, ये जायगोट जब बड़ा हो जाएगा ये प्लांट में बदलेगा तो इस प्लांट का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होगा, क्या ये भी टॉल होएगा या नहीं होएगा, बिल्कुल होएगा। लेकिन अब कंपेयर करें, ये टॉल था, ये भी टॉल है, लेकिन ये कैसे टॉल थे आपके, होमोजाइगस थे, ये कैसे हेटरोजाइगस है। याद आ रहा ना, हेटरोजाइगस मैंने आपको बताया था जब दोनों जीन्स कैसे होंगे, अलग अलग होंगे तो वो जो जायगोट जो होगा दैट इज कॉल्ड हेटरोजाइगस। तो सोचिए दिस कंडीशन इज हेटरोजाइगस, याद रखना अगर हेटरोजाइगस कंडीशन मिलती है तो वो ऑर्गेनिज्म क्या कहलाता है, इम्प्योर कहलाएगा। सो दीज पेरेंट्स आर प्योर और ये जो F1 बनी है ये कैसी है आपकी, इम्प्योर। समझ में आ गया, अब जरा सोचिए ये F1 जनरेशन थी, F1 का मतलब फर्स्ट फिलियल जनरेशन। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन जो आई पेरेंट से, ठीक है, दिस इज कॉल्ड F1 जनरेशन। ठीक है, अब इसका हमने सेल्फ पॉलिनेशन किया। अब आप कहेंगे सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब, इसी जीनोटाइप को जब मैं इसी जीनोटाइप से क्रॉस करूंगा तो सेल्फ पॉलिनेशन कहलाएगा या नहीं कहलाएगा। भाई सेल्फ पॉलिनेशन यही तो होता है ना, क्या एक ही फ्लावर के अंदर क्या होती है, क्रॉसिंग हो जाती है, तो दैट इज कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन। अब जरा सोचिए कि फ्लावर के अंदर क्रॉसिंग होगी तो जीनोटाइप सेम रहेगा या नहीं रहेगा, बिल्कुल सेम रहेगा। सो हमने यहां पर क्या कराते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन। बच्चे याद रखना जब हम सेल्फिंग कराते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन कराते हैं, तब ही क्या निकलती है, F2 जनरेशन। अब जरा सोचिए हम यहां से अब क्या निकालने वाले हैं, F2 जनरेशन। आइए देखते हैं, देखिए F2 जनरेशन निकालने के लिए हमने F1 जो आई थी हमारी, ये कैपिटल टी स्मॉल टी, ये क्या थी हमारी, F1 आई थी ना, इसको हम इसी से क्रॉस कराएंगे, सेल्फ पॉलिनेशन कराएंगे, सेल्फ क्रॉसिंग कराएंगे, तो उससे हम क्या निकालते हैं, F2 जनरेशन। अब देखिएगा समझना बेटा जी, यहां पर दोनों फॉर्म दे रखी है जीन्स की, इट मींस ये पेरेंट है और डिप्लॉइड है। वर्ड ध्यान से सुनना, पेरेंट है, कैसा है, डिप्लॉइड है, ये भी पेरेंट है और कैसा है, डिप्लॉइड। ऑब्वियसली बात है वो जायगोट जो था हमारा F1 का वो बड़ा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पेरेंट हो जाएगा, डिप्लॉइड होएगा, पेरेंट होएगा, सेल्फ पॉलिनेशन कराएंगे, नहीं जीनोटाइप होएगा। अब सर सोचिए ये एक डिप्लॉइड जीनोटाइप है, ये एक पेरेंट है, ठीक है, इनकी क्रॉसिंग करा रहे हैं तो क्या प्रोड्यूस करने पड़ेंगे, गैमेट। और हम जानते हैं साहब गैमेट के अंदर इन दोनों में से एक गैमेट के अंदर एक ही जीन जाएगा। ठीक है, अब यहां पर गैमेट क्या बनेंगे, आप जानते हैं एक गैमेट के अंदर कौन सा जीन जाएगा, या तो कैपिटल टी या दूसरे में क्या जाएगा, स्मॉल टी।
सिमिलरली यहाँ पर एक में क्या जाएगा कैपिटल टी और दूसरे में क्या जाएगा स्मॉल टी। मैं बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ, याद रखना, उन बच्चों के लिए भी यूजफुल है जिनको बहुत कुछ आता है और उनके लिए भी यूजफुल है जिनको कुछ नहीं आता है जेनेटिक्स में, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा, क्लियर है ये वाली चीज। अब यहाँ पर दो गैमेट्स यहाँ हो गए, दो गैमेट्स यहाँ हो गए, ठीक है। अब कई बच्चे क्या करेंगे, इस गैमेट को इससे क्रॉस करेंगे, इस गैमेट को इससे क्रॉस करेंगे, इसको इससे क्रॉस करेंगे, इसको इससे क्रॉस करेंगे। हम ऐसा नहीं कर रहे, हम क्या कर रहे हैं, एक मैथड यूज में ले रहे, दैट इज कॉल्ड चेकर बोर्ड मैथड या पुनिट स्क्वायर मैथड। इस मैथड को, चेकर बोर्ड मैथड को किसने प्रपोज किया था, याद रखिएगा, पुनिट ने। साइंटिस्ट का नाम क्या था, पुनिट, हु गेव दिस चेकर बोर्ड मैथड, जिसमें उन्होंने क्या बोला, बहुत सिंपल, क्या कि इस पेरेंट के ये जो गैमेट हैं उनको रख दो हॉरिजॉन्टल और इस पेरेंट के ये जो दो गैमेट हैं इनको रख दो वर्टिकल, ठीक है। हमने ये दो कैसे रख दिए हैं वर्टिकल और ये दो कैसे रख दिए हैं हॉरिजॉन्टल, ठीक है। अब जरा सोचिए, ये गैमेट है ना बेटा, ये क्या थे आपके, गैमेट्स थे। अब ये गैमेट जब इस गैमेट से फ्यूज होगा तो जीनोटाइप क्या बनेगा, कैपिटल टी कैपिटल टी। ये वाला गैमेट जब इससे फ्यूज होएगा तो जीनोटाइप क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। ये इससे फ्यूज होएगा अगेन कैपिटल टी स्मॉल टी, ये इससे फ्यूज होएगा स्मॉल टी स्मॉल टी। अब जरा सोचिए, एफ टू जनरेशन जो आई है उसमें एक तो ये जायगोट बना, एक ये जायगोट बना, एक ये जायगोट बना और एक ये जायगोट, कितने जायगोट बने हैं, टोटल चार। यानी एफ टू जनरेशन में टोटल कितने टाइप्स के, मैं टोटल बोल रहा हूं, टोटल कितने जायगोट बने हैं, चार बने हैं, ठीक है। अब जरा देखिएगा, इन चारों जायगोट्स का हम फीनोटाइप देखते हैं, यानी ये कैसा करेक्टर प्रोड्यूस करेंगे। कैपिटल टी यानी कहीं ना कहीं दोनों डोमिनेटिंग जीन्स हैं, करेक्टर कैसा प्रोड्यूस होगा, टॉल। कैपिटल टी स्मॉल टी, करेक्टर कैसा प्रोड्यूस होगा, टॉल, लेकिन ये हेट्रोजाइगस है, ये कैसा था आपका, होमोजाइगस, ये प्योर है, ये इम्प्योर है, अगेन इम्प्योर, हेट्रोजाइगस, टॉल, लास्ट वन इज ड्वार्फ, ठीक है। अब जरा सोचिए, ये एफ टू जनरेशन में जब ये मैं चार प्रोजेनीज को मैं देखता हूं तो इनमें जब मैं एक्सटर्नल करेक्टर देखूंगा यानी फिनोटाइप अगर मैं देखूंगा तो मुझे कितने फिनोटाइप दिखाई दे रहे हैं, दो, कौन सा, एक तो टॉल दिखाई दे रहा है और एक क्या दिखाई दे रहा है, ड्वार्फ। टॉल कितने हैं यहां पर, तीन, ड्वार्फ कितने हैं यहां पर, वन। सो एफ टू जनरेशन में फिनोटाइप रेशियो यानी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी करने के बाद, स्टडी करने के बाद मुझे फिनोटाइप रेशियो क्या दिखाई दे रहे हैं, दो, कौन सा, एक तो टॉल और एक ड्वार्फ, क्या, 3:1। तो ये याद रखना, 3:1 क्या था, फिनोटाइप रेशियो, ठीक है, पहली चीज। दूसरा, जीनोटाइप रेशियो। जीनोटाइप रेशियो कैसे निकालते, जरा सोचिए, यहां पर हम किसका रेशियो निकालेंगे, जीनोटाइप्स का। बेटा जी, इसका जीनोटाइप क्या था, इस जायगोट का, कैपिटल टी कैपिटल टी, इस जायगोट का क्या था, कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका स्मॉल टी, हमने सारे के सारे लिख दिए। अब जरा सोचिए, कैपिटल टी यहां पर कितनी बार आ रहा है, एक बार, कैपिटल टी स्मॉल टी कितनी बार आ रहा है, दो बार, और स्मॉल टी कितनी बार आ रहा है, एक बार। तो कौन कौन से जीनोटाइप, या मैं बोलूंगा कितने टाइप्स के जीनोटाइप मिल रहे हैं, तो याद रखना, तीन टाइप के जीनोटाइप मिल रहे हैं, रेशो है 1:2:1। सो दिस इज द, ये हमने कौन सी जनरेशन निकाली है, एफ टू जनरेशन, जिसका हमने फिनोटाइप रेशो भी निकाला है और जीनोटाइप रेशो निकाला है, बहुत सिंपल सा था। चले आगे, आइए देखते हैं। ओके, सो ये हमने देखा था अभी क्या, मेंडल का मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। अब मेंडल ने क्या करा दी, क्रॉसिंग करा दी, उसके बाद वो कुछ उसके पास रिजल्ट्स आएंगे, ठीक है, आएंगे ना, वो जो रिजल्ट्स या वो जो कंक्लूजन जो मेंडल ने आने के बाद दिए, ठीक है, वो कंक्लूजन या वो जो रिजल्ट्स जो थे, दे बिकम लॉज, ठीक है। तो उन्होंने अपने मोनोहाइब्रिड क्रॉस के जो कंक्लूजन थे उनको बदला, किसमें, लॉज में। कितने लॉ दिए उन्होंने मोनोहाइब्रिड क्रॉस के, दो, वन इज कॉल्ड लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड सेकेंड इज कॉल्ड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। हम ये दोनों पढ़ने वाले हैं, लेकिन पहला हम लॉ ऑफ डोमिनेंस नहीं देख रहे हैं, पहला हम क्या देख रहे हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, क्योंकि ये बहुत इजी है, जल्दी से समझ में आ जाएगा। देखिएगा, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन का मतलब ही क्या होता है, सेपरेशन। सेग्रीगेट मतलब क्या करना, सेपरेट करना। अब देखिएगा क्या है ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, देखिएगा, ये बोलता है लॉ कि जो भी पेरेंट होता है, जो भी कौन होता है, पेरेंट, आइदर ये एक पेरेंट है, ये भी एक पेरेंट है, और इनसे ये जो जायगोट बना, जब ये बड़ा हो जाएगा तो ये भी क्या कहलाएगा, पेरेंट है। जो भी पेरेंट होता है, जो कैसा होता है, डिप्लॉइड होता है, कैसा होता है बेटा, डिप्लॉइड होता है। जब भी वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, जब भी वो क्या करेगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, तो क्या बनाएगा, गैमेट बनाएगा। अब जरा सोचिए, इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना है इस पेरेंट को, तो इसको क्या बनाना पड़ेगा, गैमेट। अब जब गैमेट बनाएगा तो ये दोनों फैक्टर क्या साथ साथ एक गैमेट में आएंगे,
क्या ये गैमेट के अंदर कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा क्या? नहीं। क्या ये दोनों फैक्टर जो है ये क्या हो जाएंगे? अलग हो जाएंगे। एक फैक्टर एक गैमेट में जाएगा, दूसरा फैक्टर दूसरे गैमेट में जाएगा। यानी आपने दोनों फैक्टर्स को क्या कर दिया है? सेग्रीगेट कर दिया, सेपरेट कर दिया है कि डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म से जब हम हैप्लॉइड गैमेट बनाएंगे तो ये जो डिप्लॉइड क्या मिल रहे हैं आपके, एक जीन के दो फॉर्म मिल रहे हैं, इनमें से एक फॉर्म एक अलग गैमेट में जाएगी और दूसरी फॉर्म एक अलग गैमेट में जाएगी। यानी हमने क्या कर दिया? सेग्रीगेशन। तो याद रखना, दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और बच्चों इसका कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। डेफिनेट सी बात है, आप अच्छे तरीके से जानते हैं, आपने 11th क्लास में पढ़ा था। यहां पर क्या होएगा? मियोसिस होगा ना, और मियोसिस में कहीं ना कहीं क्रोमोसोम नंबर क्या होती है? हाफ होती है। और हमें अगर गैमेट बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? मियोसिस। और मियोसिस जब हम करेंगे तो कहीं ना कहीं एक गैमेट के अंदर एक फैक्टर जाएगा और दूसरे गैमेट के अंदर दूसरा फैक्टर जाएगा। तो ऑलवेज क्या होते हैं, डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म से हैप्लॉइड गैमेट बनाने के लिए गैमेट फैक्टर्स क्या होते हैं? सेग्रीगेट। ठीक है, सो ये हमारा क्या था? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। बहुत सिंपल सा था, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। अब नेक्स्ट इज लॉ ऑफ डोमिनेंस। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। पहली बात तो ये लॉ ऑफ डोमिनेंस इज ओनली अप्लाइड फॉर F1 जनरेशन। ध्यान से सुनना, ये बहुत बारीक चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। क्या कि ये जो लॉ है ये केवल और केवल किस पे बेस्ड है? F1 जनरेशन पे। F2 जनरेशन पे बेस्ड नहीं है, केवल किस पे बेस्ड है? F1 जनरेशन पे, अकॉर्डिंग टू मेंडल। अब क्या बोल रहा है ये लॉ ऑफ डोमिनेंस, देखिएगा। हमने ये देखा था ना, मोनोहाइब्रिड क्रॉस हमने यही कराया था, हमने टॉल पेरेंट और ड्वार्फ पेरेंट को क्रॉस करके हमने F1 जो बनाया था, क्या बनाया था? कैपिटल टी स्मॉल टी, ये जीनोटाइप था। अब मेंडल क्या बोल रहा है, देखिएगा। मेंडल के अकॉर्डिंग लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है, देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। अकॉर्डिंग टू मेंडल जो भी F1 जनरेशन आएगी, जो भी क्या आएगी, F1 जनरेशन, उस F1 जनरेशन में से जो दो फैक्टर होंगे एक करेक्टर को रेगुलेट करने वाले, ये जो दो फैक्टर होंगे, इन दोनों फैक्टर में से एक फैक्टर कैसा होएगा? हमेशा डोमिनेंट, यानी अपने आप को क्या करेगा? एक्सप्रेस। ठीक है, और अपने साथ में जो दूसरा फैक्टर उसके साथ में है उसको क्या कर देगा? सप्रेस, उसको अपने आप को एक्सप्रेस करने नहीं देगा। यानी वो फैक्टर कैसा हो जाएगा आपका? रिसेसिव। तो एक फैक्टर कैसा होएगा? डोमिनेंट। और एक फैक्टर कैसा होएगा? रिसेसिव। एक अपने आप को एक्सप्रेस करेगा और दूसरा अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये इसको क्या कर देगा? सप्रेस कर देगा। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ डोमिनेंस, कि केवल डोमिनेटिंग करेक्टर अपने आप को क्या कर रहा है? एक्सप्रेस कर रहा है, पहली चीज। और F1 के अंदर जो दो फैक्टर होंगे उनमें हमेशा एक डोमिनेंट होएगा और एक रिसेसिव। यानी आपको इस लॉ ऑफ डोमिनेंस में दो बिंदु, दो पॉइंट याद रखने। क्या? पहला, ये लॉ क्या बोल रहा है? F1 में दो फैक्टर में एक क्या होएगा? डोमिनेंट, और एक क्या होएगा? रिसेसिव, पहली चीज। दूसरा, जो डोमिनेंट है केवल वही एक्सप्रेस होएगा, रिसेसिव कभी भी एक्सप्रेस नहीं होएगा। ये दो मेन पॉइंट है इस लॉ के, क्लियर है? अब ध्यान से सुनना, इस लॉ का, इस लॉ के क्या थे? दो एक्सेप्शन थे। वन इज कॉल्ड इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड सेकंड इज कॉल्ड कोडोमिनेंस। अब हम ये दोनों टॉपिक यहां पर पढ़ने वाले हैं, क्या? इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड कोडोमिनेंस। ठीक है, सो हम यहां पर देख रहे हैं कौन सा एक्सेप्शन था लॉ ऑफ डोमिनेंस का, क्या? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है, नाम में वैसे आपको समझ में आ रहा है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, यानी जो डोमिनेंस ही है वो कंप्लीट नहीं होगी, या कंप्लीटली डोमिनेंट फैक्टर जो होगा वो पूरे तरीके से सप्रेस नहीं कर रहा होगा, किसको? रिसेसिव फैक्टर। ठीक है, इतना तो हिंट आपको मिल गया होगा। देखिएगा, इनकम्प्लीट डोमिनेंस को सबसे पहले डिस्कवर किया था किसने? उस साइंटिस्ट ने जिसका नाम हम पहले भी पढ़ चुके हैं, द थ्री साइंटिस्ट हु रीडिस्कवर्ड द वर्क ऑफ मेंडल, जिसमें से पहला कौन था? कार्ल लॉरेंस। उन्हीं ने ही डिस्कवर किया कौन से फिनोमेना को? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है, किसमें डिस्कवर किया? ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक प्लांट जिसका नाम है मिराबिलिस जालपा, याद रखना, मिराबिलिस जालपा, जिसका दूसरा नाम है 4 o'clock प्लांट। ठीक है, इस प्लांट में फ्लावर के कलर में, किस चीज में? करेक्टर कौन सा लिया था उन्होंने? फ्लावर का कलर जब उन्होंने देखा तो उनको क्या दिखाई दिया? कौन सा फिनोमेना? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अब क्या था, देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, उन्होंने एक डोमिनेटिंग फ्लावर लिया, कौन सा? रेड। रेड कलर जो था, ज्यादातर इस प्लांट के अंदर जो फ्लावर का ज्यादातर कलर कैसा था? रेड। इट मींस रेड कैसा हो गया? डोमिनेटिंग हो गया। और बहुत कम मिले थे व्हाइट, यानी व्हाइट कैसा हो गया? रिसेसिव हो गया। दोनों से, अब जरा देखिए, ये पेरेंट है,
इन पेरेंट से जो गैमेट बनेगा यहां से क्या बनेगा कैपिटल आर, और यहां से क्या बनेगा स्मॉल आर. ठीक है, अब यहां से जो एफ वन आएगी वो क्या है कैपिटल आर और स्मॉल आर. हम जानते थे कि मेंडल के लॉ ऑफ डोमिनेंस में क्या था, क्या कि जो F1 होएगी उसमें जो दो फैक्टर होंगे उसमें एक डोमिनेंट होएगा एक रिसेसिव होएगा. ये बिल्कुल सही है, यहां पर ये वाला पॉइंट बिल्कुल सही है किसका, मेंडल का. लेकिन दूसरा पॉइंट क्या था, याद करिए लॉ ऑफ डोमिनेंस में दूसरा पॉइंट क्या था, मैंने क्या बोला था, क्या कि जो डोमिनेंट फैक्टर होएगा केवल वही क्या होएगा एक्सप्रेस होएगा, और वो जो डोमिनेंट फैक्टर है वो अपने साथ में आने वाले दूसरे वाले फैक्टर को क्या कर देगा सप्रेस कर देगा, और सप्रेस कर देगा तो दूसरा वाला कैसा हो जाएगा रिसेसिव होएगा, वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा. यही का यही पढ़ा था ना. लेकिन यहां पर ध्यान से देखिए, अगर मेंडल होता तो मेंडल यहां पर क्या बोलता, ये डोमिनेटिंग है ये रिसेसिव है तो केवल कौन एक्सप्रेस होएगा कैपिटल आर. कैपिटल आर मींस कहीं ना कहीं कैसा होएगा यहां पर एफ वन कैसी होती रेड होती ना, अकॉर्डिंग टू मेंडल लॉ ऑफ डोमिनेंस के अकॉर्डिंग यही करेक्टर होता ना रेड होता ना. लेकिन कार्ल कॉरेंस को कैसा मिल गया ये पिंक मिल गया, यानी कैपिटल आर पूरे तरीके से कंप्लीटली इसको स्मॉल आर को क्या सप्रेस कर पाया, क्या कैपिटल आर ने कंप्लीट डोमिनेंसी शो करी क्या, नहीं ये इसको पूरे तरीके से सप्रेस नहीं कर पा रहा, या मैं बोलूंगा ये पूरे तरीके से कंप्लीटली इससे कैपिटल आर से सप्रेस नहीं हो पा रहा, यानी ये इसको सप्रेस नहीं कर पा रहा और ये लिटिल बिट अपने आप को क्या कर रहा है एक्सप्रेस कर रहा है. अब जरा सोचिए, ये थोड़ा बहुत अगर अपने आप को एक्सप्रेस करेगा और ये पूरे तरीके से इसको नहीं सप्रेस कर रहा तो कहीं ना कहीं कैपिटल आर तो थोड़ा बहुत तो क्या हो रहा है अपने आप को क्या कर रहा है एक्सप्रेस कर रहा है, यानी रेड तो होएगा साथ साथ व्हाइट अपीयरेंस भी होगी. अब रेड और व्हाइट जब मिक्स हो जाएंगे तो कैसा कलर आएगा पिंक आएगा. तो जरा सोचिए क्या यहां पर करेक्टर की मिक्सिंग हुई है या नहीं हुई है. मिक्सिंग को यहां पर बोला गया है ब्लेंडिंग. तो याद रखना एफ वन में क्या हो गई है ब्लेंडिंग हो गई है. क्या कैपिटल आर ने कंप्लीट डोमिनेंसी नहीं दिखाई है, क्या दिखाई है इनकंप्लीट डोमिनेंसी दिखाई है, जिसकी वजह से दोनों फैक्टर का करेक्टर क्या हो गया मिक्स हो गया, क्या हो गया ये ब्लेंडिंग हो गई. इस वजह से कैसा फिनोटाइप आ गया आपका मिक्स्ड, कैसा कलर आ गया है पिंक. सो जरा सोचिए क्या ये एक एक्सेप्शन हुआ या नहीं हुआ, किसका लॉ ऑफ डोमिनेंस का. क्लियर है. अब देखिएगा ध्यान से सुनिएगा बेटा जी, एफ टू कैसे निकालते हैं आप अच्छे तरीके से जानते हैं. एफ वन हमारी आई थी पिंक आई थी, इसको हम क्रॉस करेंगे किससे पिंक से, पिंक को क्रॉस कर रहे हैं हम किससे पिंक से. अब देखिएगा यहां से गैमेट क्या बनेगा कैपिटल आर एक स्मॉल आर, यहां से भी क्या बनेगा कैपिटल आर और एक स्मॉल आर. हम पुनेट स्क्वायर मेथड में इन दोनों गैमेट को यहां रख देंगे, इन दोनों गैमेट को यहां रख दिया, हमने क्रॉसिंग कराई, कितनी प्रोजेनी बनी है एफ टू जनरेशन में वही जैसा हमने पढ़ा था कितनी है चार, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर और स्मॉल आर स्मॉल आर. अब जरा सोचिए कैपिटल आर इसका करेक्टर क्या होएगा, ये इसका फिनोटाइप क्या होएगा, कैसा होएगा ये रेड होगा ना. स्मॉल आर ये भी कैसा होएगा, देखिए कैपिटल आर कैसा था रेड, ये भी कौन है रेड. स्मॉल आर ये कैसा है आपका व्हाइट, ये भी कैसा है व्हाइट. लेकिन कैपिटल आर और स्मॉल आर, यहां पर कैपिटल आर और स्मॉल आर क्या ये रेड है क्या, नहीं 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 ये रेड नहीं है, ये कैसे है पिंक है. तो जरा सोच समझ के मुझे बताएं यहां पर फिनोटाइप रेशियो जो हमने लॉ ऑफ डोमिनेंस में देखा था क्या आया था, जरा सोचिए मोनो हाइब्रिड क्रॉस में फिनोटाइप रेशियो क्या आया था 3:1. अगर मेंडल देखते तो यहां पर क्या होता है रेड, मेंडल क्या होता है ये भी रेड है ये भी रेड है ये भी रेड है और ये क्या है व्हाइट है, तो रेशियो क्या हो जाता है 3:1. लेकिन इनकम्प्लीट डोमिनेंस में फिनोटाइप रेशियो क्या आ रहा है 1:2:1, क्योंकि यहां पर ये एक नया करेक्टर जनरेट हुआ है कौन सा पिंक ब्लेंडिंग से मिक्सिंग से. सो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आया होगा क्या इनकम्प्लीट डोमिनेंस. अब सेकंड हम बात करेंगे किसकी कोडोमिनेंस की. ओके सो नेक्स्ट एक्सेप्शन ऑफ मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस इज कोडोमिनेंस. देखिएगा यहां पर डोमिनेंस के पहले वर्ड आ रहा है क्या को. अब ये को वर्ड और कहां सुना है आप लोगों ने, देखिए याद करिए आपने कहीं ना कहीं स्कूल्स में कौन सी एक्टिविटीज होती है को करिकुलर एक्टिविटीज, मतलब क्या होता है स्टडी के साथ साथ मैं बोलूंगा फिजिकल एक्टिविटीज करना भी जरूरी है, गेम्स खेलना भी जरूरी है. ठीक है, तो वर्ड आ रहा था को मींस साथ साथ, दो चीजों के बीच में मैंने वर्ड क्या यूज में लिया साथ साथ, पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद जरूरी है, साथ साथ वर्ड आ रहा है ना. ठीक है, तो को का मतलब क्या था यहां पर, क्या देखिएगा इसका एग्जाम्पल हम देख रहे हैं को डोमिनेंस का एनिमल्स के स्किन के कलर का.
हमने दो डॉग लिए हैं, एक डॉग हमने लिया है कौन से ब्लैक कलर का और एक डॉग लिया हमने व्हाइट कलर का, ठीक है। अब इस डॉग का जो जीनोटाइप है दैट इज R1 R1 और इसका हमने जीनोटाइप लिया दैट इज R2 R2। इससे आपको एक चीज तो पता लग गई कि ये दोनों जो डॉग्स हैं दे बोथ आर डोमिनेटिंग। कैसे हैं बच्चों? डोमिनेटिंग यानी ब्लैक कलर भी कैसा है डोमिनेटिंग, व्हाइट कलर भी कैसा है डोमिनेटिंग, ठीक है। अब आप इतना तो आपको अब तक समझ में आ ही गया होगा कि यहां से जो गैमेट आएगा दैट इज R1 और यहां से क्या आएगा R2, तो F1 क्या बनेगी R1 R2, ठीक है। अब जरा सोचिए मेंडल के लॉ ऑफ डोमिनेंस के, मैंने आपको क्या बताए थे, दो पॉइंट बताए थे। क्या मेंडल ने बोला हमेशा हमेशा F1 के अंदर एक फैक्टर कैसा होएगा आपका डोमिनेटिंग और दूसरा कैसा होएगा रिसेसिव। लेकिन यहां पर सोचिए दोनों ही फैक्टर क्या है आपके डोमिनेटिंग, हो गया ना उल्टा। मेंडल तो क्या बोलता है F1 में हमेशा दोनों फैक्टर में से एक हमेशा कैसा होएगा डोमिनेटिंग और दूसरा हमेशा कैसा होएगा रिसेसिव। चाहे कुछ भी कर लो, चाहे दोनों आप कंट्रास्टिंग ना भी लो, हमेशा तब भी F1 में कैसा रहेगा, एक डोमिनेटिंग रहेगा और एक रिसेसिव रहेगा। ऐसा किसने बोला? मेंडल ने। लेकिन यहां पर तो उल्टा हो गया, क्या दोनों ही कैसे आ गए आपके डोमिनेटिंग और दोनों डोमिनेटिंग साथ साथ, वर्ड आगे कौन सा, साथ साथ अपने आप को क्या कर रहे हैं एक्सप्रेस कर रहे हैं। यानी R1 भी अपने आप को क्या करेगा एक्सप्रेस और R2 भी अपने आप को क्या करेगा एक्सप्रेस। यानी R1 ने इसको नहीं दबाया और R2 ने इसको सप्रेस नहीं करा, दोनों सेपरेटली क्या हो रहे हैं आपके एक्सप्रेस हो रहे हैं। तो जरा सोच समझ के मुझे बताएं ये जो डॉग आएगा ये कैसा होगा। आपने देखा होगा कहीं ना कहीं स्ट्रीट डॉग्स देखे होंगे या कहीं ना कहीं पेट डॉग्स देखे होंगे, क्या व्हाइट और ब्लैक होती है ना, मार्किंग्स होती है ना। या आपने एक तरीके का डॉग देखा होगा जो जिसके ऊपर पूरा व्हाइट होता है, ब्लैक कलर के स्पॉट्स होते हैं। या आपने स्ट्रीट डॉग्स देखे होंगे जिसमें ब्लैक और व्हाइट दोनों अपीयरेंस मिलती हैं, ठीक है। तो जरा सोच समझ के मुझे बताएं ऐसे डॉग्स को हम क्या बोलते हैं, रॉन, जिसके अंदर ब्लैक कलर भी एक्सप्रेस हो रहा है और व्हाइट कलर भी एक्सप्रेस हो रहा है। यानी दोनों डोमिनेंट जीन अपने एक साथ यानी साथ साथ अपने आप को क्या कर रहे हैं एक्सप्रेस। दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड कोडोमिनेंस। समझ में आ गया? अब जरा सोचिए क्या ब्लैक और व्हाइट दोनों कलर मिक्स हो रहे हैं क्या यहां पर? नहीं, ब्लैक सेपरेट दिख रहा है, व्हाइट सेपरेट दिख रहा है, दोनों की मिक्सिंग नहीं हुई, दोनों की ब्लेंडिंग नहीं हुई है। तो याद करिए ब्लेंडिंग किसमें हुई थी, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या हुई थी ब्लेंडिंग, यहां पर ब्लेंडिंग या मिक्सिंग नहीं होगी। याद रखिएगा बच्चों किसमें, को डोमिनेंस में दोनों डोमिनेटिंग जीन अपने आप को सेपरेटली क्या करेंगे एक्सप्रेस करेंगे। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड कोडोमिनेंस। इसका दूसरा एग्जांपल है बच्चों याद रखना, हमारा ब्लड ग्रुप होता है कौन सा, ए बी ब्लड ग्रुप, वो भी किसका एग्जांपल है, कोडोमिनेंस का। तो ये हमने पढ़ा है किस चीज के बारे में, ये हमने बात करी कौन सा मेंडल का, ये कौन सा लॉ था, ये मेंडल का ये कौन सा क्रॉस था, मोनोहाइब्रिड क्रॉस हमने पढ़ा, उसका पूरा प्रोसीजर देखा। फिर उसके बाद हमने उसके हम बात करेंगे कंक्लूजन्स देखे, जिसमें से दो लॉ देखे, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस के हमने दो एक्सेप्शन देखे, एक इनकम्प्लीट डोमिनेंस और एक क्या देखा हमने, कोडोमिनेंस। क्लियर है? अब यहां पर हम बात करेंगे क्या ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हमने वन जीन का एक्सप्रेशन देखा था, केवल किसका देख रहे थे, एक करेक्टर का एक्सप्रेशन देख रहे थे। अब मैं दो करेक्टर का एक्सप्रेशन देखूंगा, यानी कौन सा क्रॉस देखूंगा, डाई हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। आइए देखते हैं, आइए बात कर रहे हैं किसकी, डायहाइब्रिड क्रॉस की। नाम से पता लग रहा है डायहाइब्रिड क्रॉस का मतलब, हमने मोनोहाइब्रिड पढ़ा था, क्या था, जब हम एक करेक्टर का इनहेरिटेंस देख रहे थे दैट इज कॉल्ड मोनोहाइब्रिड। तो डायहाइब्रिड का मतलब क्या होगा, जब हम दो करेक्टर का इनहेरिटेंस देखेंगे, ठीक है। अब देखिए यहां पर मैं दो करेक्टर ले रहा हूं, एक ले रहा हूं प्लांट की हाइट और एक ले रहा हूं मैं सीड की शेप, ठीक है। प्लांट की हाइट डोमिनेंट कैसी थी, टॉल, तो जीनोटाइप क्या आ गया, कैपिटल टू कैपिटल। पेरेंट्स कैसे लूंगा, प्योर लूंगा, मेंडल ने पेरेंट्स कैसे लिए थे, प्योर होमोजाइगस, ठीक है। दूसरा करेक्टर हमने क्या लिया था, सीड की शेप कैसी, डोमिनेंट कैसी थी, राउंड, कैपिटल आर कैपिटल आर, ठीक है। अब इधर पेरेंट में देखिएगा, ड्वार्फ एंड रिंकल, ड्वार्फ के लिए स्मॉल टी स्मॉल टी, रिंकल के लिए स्मॉल आर, ठीक है, समझ में आ गया। अब इधर देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, देखिए कैपिटल टी जो है वो किस चीज को बता रहा है, टॉल को, कैपिटल आर किस चीज को बता रहा है, राउंड को। अब बेसिकली क्या होता है बच्चों को यही कंसेप्ट सबसे मैं बोलूंगा कि मुश्किलात जो चीज जो आती है वो ये कि बच्चे गैमेट बनाना ही नहीं समझ पाते हैं, गैमेट में कौन से जीन्स को रखेंगे। तो बेटा सोचिए सिंपल सा, ये एक एलिलिक पेयर है,
एक जीन का पेयर है जिसको हमने एलील्स बोला था, जो एक करेक्टर प्रोड्यूस कर रहा था। ये एक एलीलिक पेयर है जो एक करेक्टर प्रोड्यूस कर रहा है। यहां पर हम कितने करेक्टर का इनहेरिटेंस देख रहे हैं? दो, तो हमने ये दो लिख दिया। ठीक है, अब आप जरा सोचिए, मैंने आपको बताया था कि गैमेट जब हम बनाते हैं तो एक एलीलिक पेयर में या एक जीन के पेयर में से सेग्रीगेशन जब होता है तो केवल एक जाता है ना। अब जरा सोचिए, यहां से इस जीनोटाइप से जो गैमेट बनेगा, उस गैमेट के अंदर कैपिटल टी से कौन जाएगा? कौन जाएगा? कैपिटल टी गया, आ गया। और कैपिटल आर में से कौन जाएगा? कैपिटल आर गया। तो जरा सोचिए, यहां पर इस गैमेट के अंदर क्या आ रहा है? कैपिटल टी और कैपिटल आर। ठीक है, सिमिलरली यहां पर क्या आएगा? स्मॉल टी और स्मॉल आर। और वैसे भी थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाए, थोड़ा सा क्या, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हमने कितने करेक्टर का इनहेरिटेंस देखा था? एक करेक्टर का इनहेरिटेंस देखा था। तो गैमेट में कितने जीन थे? एक थे। अब यहां पर कितने करेक्टर का इनहेरिटेंस देख रहे हैं? दो। तो गैमेट के अंदर कितने जीन होंगे? दो होंगे या नहीं आएंगे? ठीक है, अब आप मुझे बताएं, इन दोनों का जब फ्यूजन होएगा तो डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म बनेगा या नहीं बनेगा? कैसा ऑर्गेनिज्म बनेगा? डिप्लॉइड। जायगोट कैसा होएगा? डिप्लॉइड होएगा। ठीक है, कैसा? कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। लेकिन क्या ये होमोजाइगस है कि हेटरोजाइगस है? हेटरोजाइगस है। कौन सा? टॉल एंड राउंड। देखिए, ये भी टॉल एंड राउंड था, ये भी टॉल एंड राउंड है, लेकिन ये होमोजाइगस था और ये क्या है? हेटरोजाइगस है। क्लियर है? अब बेटा जी, ये हमारी F1 जनरेशन आई है। हम क्या निकालते हैं? F2। कैसे निकालते हैं? F1 को F1 से क्रॉस करते हैं। ठीक है, आइएगा देखते हैं कैसे होगा। ओके, सो हमने डायहाइब्रिड क्रॉस में F1 निकाली थी क्या? कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक है, टॉल एंड राउंड थी। मुझे इसके साथ क्या कराना था? सेल्फ क्रॉसिंग करानी है, सेल्फ पॉलिनेशन कराऊंगा, तभी तो मेरी कौन सी जनरेशन आती है? F2। ये हम पहले बात कर चुके हैं। देखिए, ये मेरा जीनोटाइप है किसका? F1 का। ये भी F1 ही है, क्रॉस सेल्फ पॉलिनेशन करा रहे हैं। आप देखिएगा बेटा, सबसे बड़ी मुश्किलात मैंने आपको बोली थी क्या होती है? गैमेट नहीं निकाल पाते हैं बच्चे। पहले तो कंसेप्ट समझिए, गैमेट मींस इस एलेलिक पेयर और इस एलेलिक पेयर में से एक ही जाएगा। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से देखिएगा, इसको मैं यहां पर एक्सप्रेस कर रहा हूं। सपोज ये जो जीनोटाइप है ये एक सेल में मिल रहा है, तो दो क्रोमोसोम है, एक ये क्रोमोसोम है, एक ये क्रोमोसोम है। इस क्रोमोसोम पर कैपिटल टी है, इस पे स्मॉल टी है, इस पे कैपिटल आर है, इसमें स्मॉल आर है, तो जीनोटाइप क्या हो गया? कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। समझ में आ गया? अब ध्यान से सुनिएगा, याद करिए, आपने 11th क्लास में एक चैप्टर सेल डिवीजन पढ़ा था, जहां पर आपने पढ़ा था मियोसिस। ठीक है, उस मियोसिस जो सेल डिवीजन जो होता है वो गैमेट बनाने के लिए होता है। उस मियोसिस में एक फिनोमिना आया था, याद करिए, क्रॉसिंग ओवर। अगर याद आ रहा हो, क्या था क्रॉसिंग ओवर? कि ये जो दो क्रोमोजोम है, इन क्रोमोजोम में से इस क्रोमोसोम का ये जीन उठकर यहां आ जाएगा, इस क्रोमोसोम में से इसका जीन यहां उठकर यहां आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, अब सपोज ध्यान से सुनना, अगर मैं आपसे कहता हूं कि क्रॉसिंग ओवर नहीं हुई, क्या नहीं हुई? क्रॉसिंग ओवर। क्या नहीं हुआ बच्चों? क्रॉसिंग ओवर। ये एक डिप्लॉइड सेल है। कैसी सेल है? डिप्लॉइड सेल है। अब आप जानते हैं मुझे क्या बनाने हैं? गैमेट, यानी मुझे क्या बनाने हैं? गैमेट्स बनाने हैं। तो इन दोनों क्रोमोसोम में से क्या ये दोनों क्रोमोसोम नेक्स्ट, मतलब क्या ये दोनों क्रोमोसोम गैमेट में जाएंगे क्या, या दोनों में से केवल एक जाएगा? सोच के मुझे बताएं। समझ में आया? क्या दोनों में से एक ही तो जाएगा ना क्रोमोसोम? ठीक है, अब ध्यान से सुनना, मान लेते ये वाला क्रोमोसोम गया किसमें? गैमेट में। तो गैमेट का जीनोटाइप क्या होएगा? कैपिटल टी कैपिटल आर होगा या नहीं होएगा? मैं ये बोलूंगा इस गैमेट के अंदर एक क्रोमोसोम आया जिसमें कैपिटल टी और एक क्या है? कैपिटल आर। ठीक है, दूसरा गैमेट क्या बनेगा? ये बनेगा जिसमें क्रोमोसोम क्या जाएगा? स्मॉल टी वाला, स्मॉल आर वाला, जीन्स वाले जाएंगे, स्मॉल टी स्मॉल आर। ये दोनों तो आपको समझ में आ गए। ठीक है, अब जरा सोच के मुझे बताएं, अगर क्रॉसिंग ओवर हो जाए, अगर क्या हो जाए बच्चों? क्रॉसिंग ओवर। इट मींस ये अगर यहां आ जाए या ये यहां आ जाए, तो जरा सोचिए कैपिटल टी के साथ में कौन आ गया? स्मॉल आर आ गया या नहीं आ गया? और स्मॉल टी के साथ में कौन आ जाएगा? कैपिटल आर। तो मेरे पास कितने तरीके के गैमेट बन गए हैं यहां पर? चार टाइप के क्या बन रहे हैं यहां पर? गैमेट। सिमिलरली सेम जीनोटाइप है, यहां से भी कितने बनेंगे? चार। ठीक है, अब जरा सोचिए मैं क्या करूंगा,
इन गैमेट्स को मैंने हॉरिजॉन्टल रख दिया और इन गैमेट्स को मैंने वर्टिकल रख दिया, मैं क्या करूंगा, क्रॉसिंग करूंगा, तो मेरी कौन सी जनरेशन आएगी, F2। अब देखिए इस F2 जनरेशन में सबसे पहले इस केस को देखिए, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल आर कैपिटल आर, पहले तो ये सोचिए कितनी F2 जनरेशन आएगी, 4 इधर गैमेट्स, टोटल कितनी जनरेशन आएगी, टोटल 16 होगी या नहीं होगी, 4 × 4 कितनी आएगी, 16, ठीक है। अब इन 16 जनरेशन जो F2 आई है इनमें से सबसे पहले इस जायगोट को देखो, क्या ये टॉल राउंड है या नहीं है, बिल्कुल है, क्या ये टॉल राउंड है या नहीं है, बिल्कुल है, ये भी टॉल राउंड, ये भी टॉल राउंड, चार आपके क्या हो गए टॉल राउंड, क्या ये टॉल राउंड है, हाँ ये भी है, क्या ये है, ये भी है, ये भी है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्या ये है, हाँ ये भी है, क्या ये है, हाँ ये भी है, यानी कुल मिला के आपके टॉल एंड राउंड कितने हो गए हैं, कैलकुलेट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। क्या यहां पर एक डायगोनल बनता हुआ दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है, ये 9 हमारे क्या है, टॉल एंड राउंड, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इस कॉम्बिनेशन को देखिए, ये क्या आएगा, टॉल तो होगा लेकिन क्या राउंड होएगा, नहीं, दोनों स्मॉल आर है, कैसा हो जाएगा, टॉल एंड रिंकल्ड, ये भी कैसा होएगा, टॉल एंड रिंकल्ड, और ये भी कैसा होएगा, टॉल एंड रिंकल्ड, तो कौन कौन सा था, एक ये और एक ये, ठीक है, कैसे होगा ये जरा सोच समझ के मुझे बताएं, टॉल एंड रिंकल्ड, ठीक है, तो क्या एक और, अब देखिए ये इसमें इंक्लूडेड नहीं है बच्चों, ये वाला पार्ट, ठीक है, एक ये और एक ये, ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया है, कितने अब टॉल रिंकल्ड कितने हो गए हमारे, 3। नेक्स्ट देखिए, अब इसको देखिए, क्या ये टॉल है, नहीं, स्मॉल टी है, यानी क्या हो गया, ये ड्वार्फ, लेकिन कैपिटल आर है, यानी कैसा हो गया, राउंड, तो ड्वार्फ एंड राउंड, ये भी ड्वार्फ एंड राउंड, और ये भी क्या है, ड्वार्फ एंड राउंड, तो जरा सोचिए क्या ये एक अगेन डायगोनल बनता हुआ दिखाई दे रहा है, कैसा हो गया ये आपका टॉल, सॉरी ड्वार्फ राउंड, कितने हो गए ड्वार्फ राउंड, 3। बचा ये आखिरी है, कौन सा है आपका, ड्वार्फ एंड रिंकल्ड, कितने हैं आपके ड्वार्फ रिंकल्ड, 1 है, ठीक है। तो जरा देखिए यहां पर फिनोटाइप अगर मैं देखता हूं, तो फिनोटाइप रेशियो मुझे क्या दिखाई दे रहा है, 9:3:3:1, समझ में आया, जिसमें 9 क्या थे आपके टॉल राउंड, 3 टॉल रिंकल्ड, 3 ड्वार्फ राउंड और 1 ड्वार्फ रिंकल्ड, ठीक है। अब यहां पर ये तो हमने देख लिया बच्चों कौन सा क्रॉस था, ये हमारा F2, ये हमने कौन सा क्रॉस देख लिया, हमने डायहाइब्रिड क्रॉस, डायहाइब्रिड क्रॉस में ये हमने फिनोटाइप रेशियो देख लिया, ठीक है। अब समझने की जो चीज है वो ध्यान से सुने, मेंडल ने डायहाइब्रिड क्रॉस करा दिया, डायहाइब्रिड क्रॉस कराने के बाद में वो उसका कुछ रिजल्ट, कुछ कंक्लूजन देगा या नहीं देगा, अब कंक्लूजन जो उसने दिया दैट इज अगेन ए लॉ। अब देखिए मोनो हाइब्रिड क्रॉस के कितने लॉ थे, तो लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, सॉरी डायहाइब्रिड क्रॉस के केवल एक ही लॉ है, दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, क्या है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जो मैं यहीं पर बताने वाला हूं, कौन सा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, देखिए क्या कहला रहा है लॉ, ये समझने से पहले आप मुझे बताएं, हमने जो अभी तक डायहाइब्रिड क्रॉस में जो पेरेंट लिए थे याद करिए, कैसे लिए थे, टॉल राउंड होमोजाइगस थे और ड्वार्फ रिंकल्ड कैसे थे, वो भी होमोजाइगस, ठीक है। एफ1 क्या आई थी, टॉल राउंड, लेकिन देखिए यहां पर एफ2 जनरेशन में टॉल राउंड, क्या ये करेक्टर पेरेंट्स में था, हाँ था, एफ वन में था, हाँ था, ये वाला करेक्टर क्या पेरेंट्स में था, हाँ था, एफ वन में नहीं था लेकिन पेरेंट्स में तो था या नहीं था, यानी ये दो करेक्टर तो पहले से मिल रहे थे, क्या दो नए करेक्टर आए हैं या नहीं आए, कौन सा, टॉल रिंकल्ड और ड्वार्फ राउंड। अब बात आ रही है ये जो दो नए करेक्टर आए हैं, न्यू करेक्टर आए हैं, कौन से, टॉल रिंकल्ड और ड्वार्फ राउंड, ये कैसे आ गए, तो ये किस फिनोमिना से आए हैं, ये आए हैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट फिनोमिना से।
अब इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या था समझने की कोशिश करें। देखिएगा, मैंने बच्चों बोला आपसे क्या कि अगर सोचिए सोचिए अगर क्रॉसिंग ओवर ना होता, क्या नहीं होता, क्रॉसिंग ओवर, ये यहां ना जाता, ये यहां ना जाता, या ये यहां ना आता, ये यहां ना आता, तो सोचिए आपके पास केवल दो ही गैमेट बनते। एक तो क्या बनता, कैपिटल आर, कैपिटल टी कैपिटल आर, और एक क्या बनता, स्मॉल टी स्मॉल आर। ये तो बनते ही नहीं, क्या कैपिटल टी स्मॉल आर, स्मॉल टी कैपिटल आर, ये दोनों बनते ही नहीं अगर क्या ना होता, क्रॉसिंग ओवर नहीं होता। ठीक है, अब जरा सोचिए अगर ये दो गैमेट बनते यहां से और इधर से भी दो गैमेट बनते, तो क्या ये टॉल रिंकल या ड्वार्फ राउंड आ पाते, कभी नहीं आ पाते। कौन नहीं आ पाते, ये नए करेक्टर कौन से, टॉल रिंकल और ड्वार्फ राउंड, ये कभी नहीं आ पाते जब क्या ना होता, अगर ये गैमेट्स नहीं बनते, ये बनते। ठीक है, तो आप जरा सोचिए ये गैमेट्स हमारे बने हैं इस वजह से, कौन आए हैं, टॉल रिंकल्ड और ड्वार्फ राउंड, क्या ये नए करेक्टर आए ना। अब ये गैमेट्स बनाने के लिए हमने क्या किया, हमने क्रॉसिंग ओवर किया। ठीक है, अब जरा सोचिए क्रॉसिंग ओवर अगर हुआ तो इससे क्या पता लगता है, क्या कि कैपिटल टी जो है क्या ये हमेशा कैपिटल आर के साथ आएगा, क्या नहीं, कैपिटल टी किसके साथ आ सकता है, स्मॉल आर के साथ। सिमिलरली स्मॉल टी क्या हमेशा स्मॉल आर के साथ आएगा, क्या नहीं, स्मॉल टी किसके साथ आ सकता है, कैपिटल आर के साथ आ सकता है, जब क्या हो जाए, क्रॉसिंग ओवर। यानी दीज जीन्स कैपिटल टी और कैपिटल आर दे ऑलवेज कम टूगेदर, क्या वो हमेशा साथ साथ आएंगे, क्या कैपिटल टी कैपिटल आर, सिमिलरली स्मॉल टी स्मॉल आर हमेशा साथ साथ आएंगे, क्या नहीं, ये इससे डिपेंडेंट नहीं है, ये दोनों एक दूसरे से क्या है, इंडिपेंडेंट है। समझ में आ रहा है, कैपिटल टी इज नॉट डिपेंडेंट ऑन कैपिटल आर, कैपिटल टी इज इंडिपेंडेंट ऑफ कैपिटल आर, जरूरी नहीं कैपिटल टी के साथ कैपिटल आर आए, हो सकता है कैपिटल आर के साथ कौन आ जाए, कैपिटल टी के साथ कौन आ जाए, स्मॉल आर आ जाए। सिमिलरली जरूरी नहीं है स्मॉल टी के साथ हमेशा स्मॉल आर आए, हो सकता है स्मॉल टी के साथ कौन आ जाए, कैपिटल आर। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट तो आपको वर्ड समझ में आ गया, असॉर्टमेंट का मतलब होता है जुड़ना, तो सिंपल सा वर्ड क्या कि इंडिपेंडेंट था कैपिटल टी किससे, कैपिटल आर से, जरूरी नहीं है कैपिटल टी असॉर्ट करेगा, जुड़ेगा किससे, कैपिटल आर से, कैपिटल टी असॉर्ट कर सकता है किसके साथ, स्मॉल आर से। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो सोचिए इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट अगर हुआ तो क्यों हुआ, क्योंकि क्या हुआ था, क्रॉसिंग ओवर, और क्रॉसिंग ओवर अगर हुआ तो कहीं ना कहीं हमें F2 जनरेशन में कहीं ना कहीं दो नए करेक्टर मिले हैं, और अगर नए करेक्टर मिले हैं तो क्या आए हैं, वेरिएशन। अब जरा एक दिमाग को घुमाएं, मतलब दिमाग की चाबी को दौड़ाएं और सोचिए आपने 11th क्लास में अगर याद आ रहा हो क्या, मियोसिस में क्रॉसिंग ओवर जो एक फिनोमेना होता है वो क्या लेकर आता है, वेरिएशन। अगर आपको याद आ रहा हो पढ़ा हो तो क्या कि मियोसिस में जो क्रॉसिंग ओवर होता है वो क्या लेकर आता है, वेरिएशन। आपके सामने है क्या आ रहे हैं, वेरिएशन आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, चेंज आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्या दो नए करेक्टर आ रहे हैं या नहीं आ रहे। सो दिस इज कौन सा क्रॉस बेटा जी, डायहाइब्रिड क्रॉस, और इसका ये क्या था हमारा, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो आपके जो कोर्स में आ रहा था वो मैंने सारा आपको पढ़ा दिया, इसको मैं अपलोड करूंगा, इसको ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है, अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करिएगा। Till then, next video lecture में मिलेंगे, okay, bye.